नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। कानपुर के स्वरूप नगर में गर्जा योगी बाबा का बुलडोजर। कानपुर के नई सड़क में हुए उपद्रव के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी के पार्टनर है शामिल मोहम्मद इश्तियाक। शामिल मोहम्मद इश्तियाक है बिल्डिंग का मालिक। कारोबारी मोहम्मद इश्तियाक की आलीशान अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हुई। बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ के लिए पुलिस प्रशासन के अधिकारी व आरएएफ के जवान भी मौके पर। वैसे तो कहा जा रहा है कि ये बिल्डिंग अवैध रूप से बनी थी तथा इसके ढहाने का आदेश पहले ही हो चुका था, परंतु गत दिनों की हिंसा के पीछे मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी का मोहम्मद इश्तियाक रिश्तेदार बताया जा रहा है। कानपुर से स्वैच्छिक दुनिया की वीरो रिपोर्ट। मैं जो सचिव के डी हूँ, ये जैसा कि आप अवगत हैं कि के डी ए द्वारा लगातार जो भी भूमाफिया हैं या इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इस तरह की लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं पूरे क्षेत्र में। उसी के क्रम में आज ये भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हमारा जो अभियान विशेष रूप से जो हमारा के डी ए के द्वारा विशेष भूमाफियाओं के विरुद्ध इलीगल कंस्ट्रक्शन के विरुद्ध लगातार चल रहा है, उसके क्रम में आज ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। क्या ये रूटीन कार्रवाई के डी ए की? ये जो रूटीन कार्रवाइयाँ विशेष रूप से की जाती हैं उसके क्रम में है, क्योंकि लगातार के डी ए अभियान चला रहा है उसी के। ये तो रूटीन कार्रवाई है। नई सड़क में जो बिल्डिंगों को लेके प्रशासन ने कोई दी आपको, वो कितने बिल्डिंगों की होती है, उस पे क्या कार्रवाई हो रही है? आज जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो जो भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार केडीए कार्रवाई कर रही है उसी के क्रम में, उसी की श्रृंखला में कार्रवाइयां हो रही हैं। आप लोगों ने आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से भी बहुत उसको समर्थन सपोर्ट मिला है कि जो इस तरह के कंस्ट्रक्शन है समाचार पत्रों में और मीडिया में, उनके विरुद्ध ये लगातार अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी जो इस तरह के इलीगल कंस्ट्रक्शन या भूमाफिया हैं उनके विरुद्ध जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही हैं। नई सड़क की बिल्डिंगें जो हैं बड़ी बड़ी बन चुकी हैं, उससे पथराव हुआ, कितनी बिल्डिंगें हैं उस तरह की, उन पर कितने कार्रवाई होगी? ये हमने बताया कि ये केडीए जो है सामान्य प्रक्रिया में उस नियमों के तहत कार्रवाई करता है, सुनवाई की प्रक्रिया होती है और मानक उसके होते हैं, उसके क्रम में कार्रवाई करता है और लगातार ये अभियान केडीए चला रहा है उसके क्रम में, ये जो आज का अभियान है उसी के क्रम में ये भी अभियान चल रहा है और लगातार जो भी इस तरह के भूमाफिया पाए जाएंगे, चिन्हित होंगे और नियमों के तहत जो कार्रवाइयाँ हैं उसको अपनाते हुए कार्रवाइयाँ की जाएंगी। सर, ये जो कानपुर में हिंसा हुआ उससे कोई रिलेशन है इस संपत्ति का? मैंने बताया कि केडीए लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है। आप लोगों ने जब लगातार उसको पेपर में प्रकाशित किया या आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ वो चीज़ें आई हुई हैं, उसी के क्रम में नॉर्मल प्रोसीजर में ये अभियान चल रहा है और आगे भी जो इस तरह के भूमाफिया हैं उनके क्रम में कार्रवाइयाँ की जा रही है। हमारा कहना है कि सब जो भी इस तरह के भूमाफिया होंगे वो लिंक है या नहीं इससे हमें नहीं मतलब रहता है। केडीए का अपना एक नियम कानून है, उसके तहत सुनवाई करते हुए और फिर आगे की कार्रवाइयाँ करते हैं। ये जैसा बताया जा रहा है कोई मोहम्मद इश्तियाक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.